गाइज, अगर आप रेडमी नोट सीरीज के बहुत बड़े फैन हैं तो वेट कर रहे हैं अपकमिंग रेडमी नोट 9 सीरीज का, तो आज का इस वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है रेडमी नोट 9 सीरीज को लेकर, क्योंकि यहां पर हम बात करने वाले हैं आई हेड बहुत ही खास अपडेट की, और उसके साथ में रेडमी नोट 9 सीरीज के अंदर क्या स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेंगे, तो जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो हे गाइस, मैं हूं क्षितिज और आप देख रहे हैं अल्बर्ट टोनी स्टार्क। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, जैसा कि स्वामी पिछले कुछ टाइम से मीडिया टेक के साथ में काम कर रहा है, और ऐसे बहुत ज्यादा चांसेस है कि रेडमी नोट 9 सीरीज के साथ में मीडिया टेक का चिपसेट देखने को मिले। मीडिया टेक डायमेंसिटी 800 और 1000 जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है और काफी पावरफुल चिपसेट है। मिसाल रहमान जो कि एक्जी डेवलपर में चीफ एडिटर हैं, अपने ट्विटर अकाउंट पर स्वामी की अपकमिंग मोबाइल्स को लेकर काफ़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स शेयर करी हैं। स्वामी अपने 3 अपकमिंग डिवाइस के ऊपर काम कर रहा है, जहां आपको मीडिया टेक डायमेंसिटी 800 या 1000 देखने को मिले। डिवाइस नेम डिफरेंट कोड के साथ में रखा गया है, बट शायद से ये रेडमी नोट 9 सीरीज हो सकती है। जैसा कि रेडमी नोट 8 प्रो हीलियो G90T के पावरफुल चिपसेट पे लॉन्च हुआ था, ये डिवाइस इंडिया में काफी ज्यादा पॉपुलर भी हुआ है, तो डेफिनेटली अपकमिंग रेडमी नोट 9 सीरीज के साथ में आपको मीडिया टेक का ही चिपसेट देखने को मिलेगा। ये जो चिपसेट है वो 5G सपोर्ट के साथ में आता है, मीडिया टेक डायमेंसिटी 1000 जो कि सीधा कम्पटीट करेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 के चिपसेट को। जो डायमेंसिटी 800 का चिपसेट होगा वो डायरेक्टली कम्पटीट करेगा स्नैपड्रैगन 765 के 5G चिपसेट को, और वो भी बजट सेगमेंट के अंदर। ये काफी अच्छा है कि रेडमी नोट 9 सीरीज में आपको एक पावरफुल चिपसेट देखने को मिलेगा, 15,000 से 20,000 के प्राइस सेगमेंट में देखने को मिल जाएगा। गाइस, अगर बात करें कुछ स्पेसिफिकेशन को लेकर, 2020 में पंचुअल डिस्प्ले काफी ट्रेंड में रहने वाला है, तो रेडमी नोट 9 प्रो में भी आपको एक पंचुअल डिस्प्ले देखने को मिलेगा, बट जो ये डिस्प्ले होगा आपको IPS डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जहां आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाए, लाइक रेडमी K30 और पोको X2। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि स्वामी को इस बार एक AMOLED पैनल देना चाहिए जो कि 60 रेफरेंस रेट के साथ में क्यों ना हो। गाइस, अगर आप मेरे बातों से एग्री करते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कि अगर कैमरास की बात करें तो रेडमी नोट 9 प्रो के साथ में आपको फंटास्टिक कैमरा सेंसर देखने को मिलेगा, जो कि सोनी IMX686 के सेंसर के साथ में आएगा। रेडमी नोट 9 प्रो के साथ में इस बार आपको 5000mAh की बिग बैटरी देखने को मिलेगी, और साथ में आपको 30W के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा, और इसके अलावा आपको सभी तरह के सेंसर यहां पर देखने को मिल जाएंगे, और जो बिल्ड क्वालिटी होगी हमेशा की तरह से अफकोर्स काफी प्रीमियम देखने को मिलेगी इस अपकमिंग डिवाइस के साथ में। तो गाइस, रेडमी नोट 9 सीरीज को लेकर अभी से ही लीक्स आना शुरू हो चुके हैं, और डेफिनेटली आपको स्वामी की तरफ से, और बहुत ही जल्द आपको स्वामी की तरफ से ऑफिशियली अपडेट भी देखने को मिल जाएगा। रेडमी नोट 9 सीरीज मीडिया टेक डायमेंसिटी 5G चिपसेट, क्या इस डिवाइस के लिए आप एक्साइटेड हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा, और रेडमी नोट 9 सीरीज से जुड़ी फर्दर अपडेट के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, तो जो एक्सक्लूसिव अपडेट है वो आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए। सो आई होप आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, और जो नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।